लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। भारत ने रविवार रात को मुंबई में खेले गए सीरीज के आखिरी मैच में श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही मेजबान टीम ने इस सीरीज में मेहमान टीम का 3-0 से सफाया कर दिया। क्रिसमस की पिछली रात को मिली इस जीत के बाद इंडियन प्लेयर्स ने खास स्टाइल में सेलिब्रेट किया। प्लेयर्स ने सांता क्लॉज कैप पहनकर जमकर मस्ती की। इस दौरान इंडियन स्पिनर कुलदीप यादव ने टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को ये कैप पहनाई। मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और 18 रन पर 3 विकेट गिर गए। चौथे विकेट के लिए समरावक्रमा और गुणारत्ने ने मिलकर 38 रन की पार्टनरशिप की, जो टीम की सबसे बड़ी पार्टनरशिप रही। इसके बाद भी थोड़ी थोड़ी देर में लगातार टीम के विकेट गिरते रहे। 7वें विकेट के लिए गुणारत्ने और शनाका ने 26 रन जोड़े। श्रीलंका ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 135 रन बनाए, जिसमें असेला गुणारत्ने और दासुन शनाका बेस्ट स्कोरर रहे। जवाब में टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 39 के स्कोर तक पहुंचते 2 विकेट गिर गए। 3रा विकेट श्रेयस अय्यर का रहा। हार्दिक पांड्या के रूप में 4था विकेट गिरा। मनीष पांडे आउट होने वाले 5वें बैट्समैन रहे। इसके बाद दिनेश कार्तिक और एमएस धोनी ने 31 रन की पार्टनरशिप करते हुए टीम को जीत दिला दी। भारतीय टीम ने 19 ओवर 2 बॉल में 5 विकेट पर 139 रन बनाते हुए ये मैच 5 विकेट से जीत लिया।